12 आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोयम जिसका टाइटल है आंट Jennifer's टाइगर्स ये पोयम एड्रियन रिच ने लिखी है मेक श्योर sure कि आप ये वीडियो एंड तक देखें बिकॉज इस एनिमेटेड वीडियो में हम आपको एक पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स और अ लिस्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोय भी देंगे टुवर्ड्स तो द एंड ग्रैंड कैड आपको इस पोएम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट भी प्रोवाइड करेगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्ड एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉसन

ज डेनिजेंस डेनिजेंस आर एनिमल्स प्लांट्स और पीपल दैट लिव इन और आर ऑफ्टन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस जैसे कि पोयम में आंट जेनिफर के टाइगर्स उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में है लास्ट की वर्ड इज शिवलरिक शिवलिक का मतलब होता है समथिंग विच इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ शिवलरी एस करेज कर्टसी एंड लॉयल्टी पोएट हमें आंट जेनेफर के बारे में बताती हैं जो एक क्लॉथ को स्टिच या एम्ब्रॉयडर कर रही होती हैं आंट जेनिफर के टाइगर स्क्रीन स्क्रीन पे प्रांस यानी कूदते रहते हैं वो उन्हें वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी फॉरेस्ट के टोपैस कलर डेनिजन्स यानी इनहेबिटेंट्स कहती हैं जिन्हें पेड़ों के नीचे आदमियों का डर नहीं होता जो शिवलरिक सर्टेंटी के साथ चलते हैं शिवलरिक यहाँ पर ब्रेवरी रिप्रेजेंट करता है टाइगर्स फियरलेस ग्रेसफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंट्रास्ट टू आंट जेनिफर जो हमें बाद में पता चलेगा कि एक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और स्केयर्ड इंसान है टाइगर्स मैन से नहीं डरते लेकिन आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से जरूर डरती हैं टाइगर्स पूरे फॉरेस्ट में बिना किसी के डर के घूमते हैं एलिगेंस के साथ जिसकी वजह से मैन आर नॉट अ थ्रेट टू देम और इसी वजह से टाइगर्स मैन से नहीं डरते यहां पर स्क्रीन का मतलब है पीस ऑफ क्लॉथ जो आंट जेनिफर खुद वीव या फिर एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू फुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेरिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड फ्लटरिंग का मतलब होता है मूविंग विद लाइट इरेग्यूलर मोशन आइवरी इज अ क्रीमी व्हाइट कलर आंट जेनिफर की उंगलियों को उनके धागों के बीच से होते हुए आइवर नीडल खींचने तक में दिक्कत होती है उनके हस्बैंड की दी हुई शादी की अंगूठी का वजन आंट जेनिफर के हाथ को दबा के रखता है जैसा हमने लास्ट पैराग्राफ में सुना है कि आंट जेनिफर टेरिफाइड थी अपनी अनप्लेजेंड मैरिज से अपनी लाइफ में इन लाइंस में हमें आंट जेनिफर का अपने हस्बैंड के प्रति फियर की फीलिंग्स पता चलती हैं एम्ब्रॉयडर करते वक्त आंट जेनिफर के हाथ कांपते हैं फियर की वजह से इससे हमें पता चलता है कि आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती हैं और उनके हस्बैंड उनकी इस हॉबी को पसंद और अप्रूव नहीं करते इसी वजह से जो वेडिंग बैंड है दैट सीम्स टू बी वेइंग हर डाउन जो ये सिंबलाइज करता है कि आंट जेनिफर की मैरिज उन्हें और उनके फ्रीडम को दबा कर रखती है वो रिंग और मैरिज सिर्फ उनकी लाइफ में एक बर्डन ही है वो बाउंड हैं सोसाइटल और मैरिटल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से और इस वजह से ऐसा लगता है कि जो वेडिंग बैंड है उनके लिए वो सिर्फ एक लिमिटेशन है और कोई लव और हैप्पीनेस का इंडिकेटर नहीं वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी मैरिज में खो चुकी हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपना आर्ट यूज करती हैं आंट जेनिफर एक डोसाइल इंसान है उनका डिजायर है कि वो एक कॉन्फिडेंट और बोल्ड वुमन बने जो अपने खुद के लिए एक स्टैंड ले सके वो ऐसा करती हैं बाय क्रिएटिंग टाइगर्स जो कि उनके नेचर से बिल्कुल अलग हैं वो अपनी लाइफ में हर चीज़ से डरी हुई हैं लेकिन टाइगर्स बोल्ड और स्ट्रांग हैं जो किसी भी चीज़ को फियर नहीं करते द टाइगर्स आर फियरलेस लेकिन आंट जेनिफर वो वीक हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती वेर एज जो टाइगर्स हैं वो एलिगेंट हैं फियरलेस हैं और पेस करते हैं एक शिवलरिक सर्टेंटी के साथ टाइगर्स पूरी तरह फ्री हैं लेकिन इन कंट्रास्ट आंट जेनिफर सिर्फ लिमिटेशंस में जीती हैं वेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल टाइगर्स इन द गो ऑन फ्रांसिंग proud and unafraid an ordeal is an unpleasant and prolonged experience जब आंट जेनेफर मर जाएंगी तब भी उनके हाथ पे उन्हें उन कामों और उस मैरिज की अंगोटी पहननी पड़ेगी वो उनके हाथों में लगी रहेगी जिन्होंने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी गुलाम बना रखा था लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने उस पैनल पर बनाए थे वो बिना डरे और गर्व के साथ प्रांस करते रहेंगे जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी वो अपनी लिमिटेशंस के जेल में बंद रहेंगी डेथ में भी उनके लिए कोई फ्रीडम नहीं होगी आंट जेनिफर अपनी पूरी जिंदगी में फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगी और जब आंट जेनिफर मर जाएंगी शी विल स्टिल भी रिंग्ड दैट शी वॉज मास्टर्ड बाय यानी कि उनकी मैरिज की रिंग उधर फिर भी होगी और उनको अपनी पूरी जिंदगी में इस लिमिटेशन से फ्रीडम नहीं मिलेगा शी विल फॉर एवर बी वेट डाउन कंट्रास्ट जो टाइगर्स उन्होंने खुद क्राफ्ट करे थे वो बोल्ड प्राउड और अनफ्रेड घूमते रहेंगे जो आंट जेनिफर का खुद का डिजायर था टू लिव अ फियरलेस लाइफ टू कंक्लूड ये पोएम पैट्रियार्की से फ्रीडम की डिज़ायर को एक्सप्रेस करती है आंट जेनिफ़र अपनी अब्यूसिव मैरिज के कारण ऑप्रेस्ड फील करती हैं और ये पोएम अपनी आवाज़ आगे रखने का एक जरिया है वो कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स बनाती हैं जो उनकी फ्रीडम के डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है वो इन टाइगर्स को टोपैस कहती हैं जो एक ब्राइट ऑरेंज प्रेशियस स्टोन होता है वो टाइगर्स जंगल में शान के साथ घूमते हैं उन्हें शिकारियों यानी आदमियों से बिल्कुल डग नहीं लगता वो बिल्कुल फियरलेस और प्राउडली घूमते हैं वहीं दूसरी तरफ आंट जेनिफर के हाथ कमजोर हो चुके हैं उनकी मैरिज उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है और उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करें पोयम के जरिए हमें पता चलता है कि इन रिस्ट्रिक्शन से कोई एस्केप है ही नहीं एक स्केप डेथ की वजह से आएगा और वो भी कोई कंप्लीट एस्केप नहीं होगा पोयम से हमें यह पता चलता है कि मैरिज के कारण वो इतनी रिप्रेस्ड हैं कि उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट की ज़रूरत है उनकी डेथ के बाद भी उनका आर्ट जिंदा रहेगा जिस आर्ट में उनके टाइगर्स अनअफ्रेड और फियरलेसली अपने जंगल में घूमते रहेंगे यही तो था जो आंट जेनिफ़र अपनी पूरी ज़िंदगी चाहती थी लेकिन उनका ये डिज़ायर वो सिर्फ अपने आर्ट में ही जी पाई ओके गाइस सो नाउ दैट यू हैव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द पोएम इज अबाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज किए गए हैं और उनके इंस्टेंसेस यानी एग्जांपल्स जान लें क्योंकि इनमें से ये गारंटीड है कि कुछ ना कुछ तो आपके एग्जाम में आने वाला है वैसे तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक रेलिटिवली शॉर्ट पोएम है लेकिन उसके बावजूद भी इस पोएम में आपको काफी एग्जाम्पल्स मिलेंगे पोएटिक डिवाइसिस के फर्स्टली वी कैन सी थ्री इंस्टेंसेज ऑफ एलिटरेशन इन द पोय नंबर वन शिवल रिक सर्टिनटी नंबर टू फिंगर्स फ्लटरिंग एंड नंबर थ्री प्रसिंग प्राउड मूविंग ऑन मेटफर्स मेटफर तो आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर काफी डीपली समझा दिया है लेकिन फिर भी कोई मेन इंस्टेंसेस हैं जो आपको लाइंस में ही दिख जाते हैं फर्स्टली अक्रॉस स्क्रीन नंबर टू मैसिव वेट एंड नंबर थ्री रिंग विद ऑडियल्स Moving on, imagery. Imagery ke bhi Aunt Jennifer's Tigers ke andar kafi zyada examples hain. Firstly, prance across the screen. Number two, bright topaz. Number three, world of green. Number four, fluttering through her wool. And number five, the ivory needle. Moving on, there is also one example of the transferred epithet, which is seen in terrified hands. Moving on personification is also seen in the lines they do not fear the men beneath the tree they pace in sleek chivalric certainty and the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid finally we also see the larger symbolism within this particular poem as explained in the explanation that grandegat has provided to you jo poem and the tigers hain, wo aunt Jennifer Jenniferfer desire ko represent orka desire kiatha to to be free, fearless and and independent. So that that brings us to the end of this this poem, and I'm sure that after watching this video, आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। आपकी preparation को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रैंड कैड ने इस पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और हाँ अपनी preparation और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर comment सेक्शन में लिखिए जो भी तीन लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे ग्रैंड कैड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड कैड का स्पेशल मेनेट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा सो येस इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू अस ऑन यूट्यूब एंड फॉलो आर इंस्टाग्राम एट ग्रैंड डॉट अकेड ओके